सारे दर्शकों दोस्तों मित्रों का अज्ज दे शो दे विच स्वागत। बहुत वनवसों ने सवाल तुसी सानू भेजे हुए हैं, सवालों के आधार पर अज्ज असीं शो ऑर्गेनाइज़ करन जा रहे हैं। सवालों के जवाब देने वास्ते साडे अज्ज दे एक्सपर्ट नवनीत जी इस मंच ते हाजिर ने। गल्लां बातों का सिलसिला कैनेडा आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड रहेगा, पर तुसी साडे नाल जुड़े रहोगे इस करके कि न्यूजीलैंड दे विच फंड दियां वेरीफिकेशनस दियां बहुत वड्डियां दिक्कतां स्टूडेंट्स नूं, जेन्युइन स्टूडेंट्स नूं जिहदी प्रोफाइल दे विच किसे तरहां दी कोई दिक्कत नहीं, रिजैक्शन आ रही है। उहदा इक कारण हैगा कि बैंकों के विचों जिहड़े फंडां दी वेरीफिकेशन है सही ढंग नाल नहीं हो रही। उहदा की हल है, उहदे अल्टरनेट की होणगे, उहदे बारे चर्चा करांगे। कनेडा जाण वाले बच्चे जिहड़े सैप्टेंबर इनटेक लई जां मई इनटेक लई अप्लाई कर रहे, उहनां लई जिहड़ियां दो तीन खास गल्लां होणगियां उहदे बारे चर्चा करांगे। प्रोफाइल्स आस्ट्रेलिया दे विच दो हिस्सों दे विच वंडी हुई, बहुत माड़ी, बहुत कमज़ोर, कई बार जिहड़े वीज़ाज़ लैके जा रही है और अच्छी प्रोफाइल्स डिकलाइन हो रही ने, रिजैक्ट हो रही ने, की कारण है इहदे उपर चर्चा करन दी कोशिश करांगे। नवनीत जी स्वागत तुहाडा। सत श्री अकाल रणबीर जी, सत श्री अकाल सारे दर्शकों नूं। शुरुआत मैं कैनेडा तो करनी चाहूंगा, किन्नी सीट्स बचियां मई लई, कुछ अप्लाई करन दे योग है बच्चों दे या सैप्टेंबर की तैयारी करनी चाहिए? रणबीर जी मई इनटेक अवेलेबल है, हाले काफ़ी कोर्सेज काफ़ी कॉलेजेस अवेलेबल ने, कोई बहुती घबरन वाली गल नहीं। एक पासे तो आप वीजेज भी लेने शुरू करते हैं, दूजे पासे सीट्स अवेलेबल है। पर रणबीर जी मई के बारे अपन बड़ा कॉन्शियस होने की लड़ है, सीटा अवेलेबल होना एक बाजार च नवी धारणा चल पी है कि एस पी पी चेंज हो रहा है, ये हर दुए दिन अफवाह का बाजार गर्म होंगे। यस, ये कुछ चेंजेस की उम्मीद हैगी है, वो चेंजेस चाहे एफ टी एस लैके आने वाले ने, चाहे अकैडमिक परसेंटेज लैके आने वाले ने, वह अफवाह ने। हाले वो कुछ आधार ने, यह दो चीज़ों का शायद बदल जाए। जो सोचिए भी एस पी पी बंद हो रहा, यहोजा कोई इंडीकेटर नहीं है। बीते हफ्ते ही मेरी एम्बेसी के एक मीटिंग सी जिते असी बैठे, ट्रेड टीम सी उत्थे गलबात हुई है। सो वो सानू कोई इंडीकेशन नहीं देते, बैठे असी एक यूनिवर्सिटी नाल सीगे उत्थे वो भी सीगे। सो असी यूनिवर्सिटी वाले सवाल पूछा कि चेंजेस की आ रहे हैं किदा ने। रणबीर जी जे आप 2009 तो लेके कैनेडा अज का सफर लीए, यह इंपरूव होंदा है। इनू एक कैनेडा नूं पिछे जे प्रॉब्लम आ गई सी कि कई कॉलेज जिहड़े ने वह बच्चों नूं घट अकैडमिक प्रोफाइल ते लै गए, कुछ नूं वीज़ाज भी ग्रांट हो गए, जाके उत्थे काफ़ी बच्चे नैगेटिव भी होए, उन्हूं लैके भी कितना कितने एक अनरिटन कुछ कॉलेजों दे विच डर है। दूजे पासे चंगी खबर यह है भी कॉलेजेस ने एजेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करने शुरू करते हैं। कैनेडा के बड़े वड्डे कॉलेज ने काफ़ी वड्डे पद्धर ते कॉन्ट्रैक्ट कैंसल किए हैं, बच्चों की अकैडमिक परसेंटेज पढ़ाई है। एक रूपरेखा मैं सुचजे बच्चों वाल दी लगती रणबीर जी, होया की सीगा कि अज चाहे मंच है, चाहे अखबार है, चाहे सोशल मीडिया है, हर बंदा आपकी तूती पिट के आपकी गल करके, चाहे मैं जी जी मैं भी आप दी चार मार के थोड़ा मेरी कोई गल्ला चंगी लग गई, किसी होर की चंगी लग गई, इंप्रैस हो जाता है। सो एक स्टैंडर्डाइजेशन जो आ गई या एक बेंचमार्क आ गया भी इन्नी कट ऑफ है, वो तो थले नहीं होना, तो मेरे ख्याल वो कैनेडा वास्ते सब तो वधिया कदम होगा। पंजाब बोर्ड च जिहड़ा बच्चा अज पढ़ रहा है उन्होंने एक गल समझ लेनी चाहिए है कि फॉरन यूनिवर्सिटीज नू एग्जाम इंटरनल असैसमेंट ते प्रैक्टिकल तिना का जोड़ ला के नंबर चैक करन ते इशारा हो गया। सो वो चीज़ एक पंजाब नू चाहे कैनेडा नू लेके चलिए चाहे आस्ट्रेलिया नू, बीते हफ्ते जी मैं दसी सी पिछली बार गल भी आस्ट्रेलिया की मीटिंग हुई है वो भी तो चर्चा चुकया गया, न्यूजीलैंड दे विच भी कितना कितने का चर्चित किया गया कि बच्चे की अकैडमिक प्रोफाइल वीक है। कैनेडा दे विच भी आप जो केप नोट्स कढ़ाइए तो उहदे च भी लिखा आंदा अकैडमिक प्रोफाइल का वीक है। सो खासकर पंजाब बोर्ड जिहड़ा साडा इत्थे सब तो वड्डा बोर्ड है, उत्थे बच्चों नूं रिटन एग्जाम नूं भी बहुत सीरीयस लैण दी लोड़ है, क्योंकि थोड़े पल्ले पैसे भी होणगे, थोड़े पल्ले ओवरऑल परसेंटेज भी होगी, थोड़े पल्ले आइल्स भी होणगे, पर किते ना किते मार फिर भी पाऊगी। सो कैनेडा दे परस्पेक्टिव च गल करिए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी अज इह चीज़ां नूं देखण दे उपर काफ़ी वड्डे लैवल ते फोकस कर रही है। नवनीत जी एक चीज़ जिहड़ी हैगी अज बड़े इंपोर्टेंट तरीके दे नाल मैं थोड़ी छेड़नी चाहूँगा कि अज बच्चा जदों जांदा हैगा दो तीन चीज़ां देख के जिहड़ी कॉलेज की एजुकेशन प्रोवाइडर है जिहड़ा उहनूं सिलैक्ट कर लैंदा। पहला साडा मुख मुद्दा जिहड़ा हैगा कैनेडा दे विच पी आर लैणा, कॉलेज दे विच पढ़ के बच्चे पी आर हो जांदे ने, नो डाउट। असी बहुत बार इस मंच तो गल की है कि पी आर तो बाद की सानू कोई अच्छी जॉब मिलती है, कि पी आर तो बाद साडा जीवन सुधर जाता है, कि पी आर तो बाद असी अच्छी अर्निंग करते नहीं करते। तो जिहड़ी यूनिवर्सिटियां दी इस वक्त मार्केटिंग शुरू हुई है जां यूनिवर्सिटियां दी थोड़ी जी पंजाब दे विच चिणग लगी हैगी है कि यह जिहड़ी स्टेज है पी आर तो अगले चंगे जीवन दी इह इंडीकेशन दिंदी है। मैं तुहाडे सवाल नूं दो सूरतां बदलना चाहुंदा, पहला पी आर कॉलेज तो बाद हो जाती है, यह एक हुण डिबेटेबल गल है, मैं तुहाडी गल दी निंदा नहीं कर रहा, तुहाडा तजर्बा मेरे नाल है। बट 2000 जिहड़ी आपां गल कीती सी 18 तक जदों इन्हां बच्चियां दा टाइम आउणा है चीज़ां औखियां हो जाणियां। आपां जिहड़ी कैनेडा दी पी आर स्टूडेंट दी देखी रणबीर जी 2009 तों लैके 13-14 तक
ਉਹਦੀ ਦੇਖੀ ਪਰ ਹਲੇ 11 12 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਪੀਆਰ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕੱਲੀ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਜੀ रणबीर जी चंगिया यूनिवर्सिटियां मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू वर्गी यूनिवर्सिटी है ट्रेंट यूनिवर्सिटी वर्गी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा सस्कैचवान लिस्ट लंबी है पंजाब च मेरा ख्याल बड़ा मान बख्शिया थोड़े सदके की यूनिवर्सिटियां ने बड़िया ने एग्रीमेंट बढ़ते बट सवाल यह भी यूनिवर्सिटी जाए कौन यूनिवर्सिटी हर वो शख्स जाए जेड़ा सोचता भी फॉरन पहुंचना मेरे जीवन का सब तो वड्डा फैसला है ना कि मंजिल है जेल का बच्चा यह सोचता भी कनेडा पहुंच गए मंजिल पहुंच गए गल मुक जी वो कॉलेज चल जाए भी पहुंच गए हूं करा दर देखा कॉलेज बहुत शानदार ने कॉलेज टॉप है बट मैं ये कह रहा भी सोचे भी मैं कैनेडा पहुंच गया खत्म जिहड़ा सोचता भी कैनेडा पहुंच के मेरे जीवन का सफर शुरू होया यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होया रणबीर जी एक 18 साल का बच्चा या 19 साल का बच्चा जो पंजाबों जाता है उन्होंने घरों तकरीबन कैनेडा वाले बच्चे पैसे की लोड़ नहीं होंगी उन्हें घरे तकरीबन पैसे कमा के नहीं भेजने होंगे और नो डाउट मैंने कहा जो बच्चे उत्थे मेरे सहमत हो गए पेड़ा के डॉलर लगे भी नहीं इतने एजेंट कई बैठे कह देंगे ने जी दूजे की शो दूजे फीस की कढ़ लोंगे तीजी फीस कढ़ लोंगे जेडे थोड़े भैन भाई गए उन्होंने पुछो फीसा कढ़निया किनिया औखियां कैनेडा च कोई डॉलर वाला पेड नहीं है आप बार बार गल कहने कैनेडा च कोई डॉलर वाला पेड नहीं है चाहे तुसी पंजाबी डोमिनेटेड एरिया चल जाओ चाहे नॉन पंजाबी डोमिनेटेड एरिया चल जाओ डॉलर वाला पेड़ कितने नहीं लभदा सो जिहड़ी मेन गल है यूनिवर्सिटी किहड़ा जाना चाहिए रणबीर जी वह बच्चा जिहड़ा विद्यक कैपेसिटी रखता 75% तो उपर वाले ठीक है जिहड़ियां टॉप यूनिवर्सिटी है 85-90% तो थले बच्चा नहीं लैंदियां यानी कि क्राइटेरिया जिहड़ा हैगा वो फुलफिल नहीं कर पाउंदा पहली गल ते बिल्कुल नहीं कर पाणगे 75% तो उपर वाला बच्चा यूनिवर्सिटी च जांदा 4 साल का सफर वो तय करन नूं तैयार है 4 साल का कष्ट भरिया सफर मैं कष्ट कहूंगा क्योंकि मित्रां दे ट्रक वाली फोटो भी लाऊगा कोई ब्रैम्पटन वाली फोटो भी लाऊगा कोई ब्रिजां वाली फोटो भी लाऊगा गरीब पढ़ाई दियां पाऊगा पर 14 साल बाद रणबीर जी मैं एक यूनिवर्सिटी नाल काम करदा यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की मैं गल चकदा उत्थे मैथ्स का एक प्रोग्राम है बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स उन्होंने बच्चे चले जाते 100 च 100 नंबर ही होने रणबीर जी एवरेज स्टार्टिंग डॉलर बच्चे की $1,00,000 है जेड़ा हुण 23 साल का लैंकड़ा या 24 साल का काका $1,00,000 तनखाह से पहुंचता उन्होंने 4 साल का सफर जिंदगी 5 लाख रुपया महीना कह लो सीधा जा दूजे पासे इंजीनियरिंग लैके यूनिवर्सिटियां जिहड़े प्रोग्राम्स ने एक ब्लैकबेरी फोन सुनते हैं सारे ब्लैकबेरी सब ने सुनिया यूनिवर्सिटी याद किया गया यूनिवर्सिटी कार्ड हुई सो मैं किसी पंजाबी बच्चे ने बैठा कहता हूं तो फोन भी बंद हो गया मैं कहा यूनिवर्सिटी चलती है सो साडी सोच ही इहोजी नेगेटिव है मैं एक बच्चे नूं समझा रहा मैं कहता एक फोन याद होया कहिंदा तां बंद हो गया जी मतलब बच्चों की कई इलकी सोच की होंगी फोन बंद हो गया जी सो यूनिवर्सिटी हर वो बच्चा जिहदे प्यो कोले पैसे ने जिहड़ा पढ़ाई की हिम्मत रखता जी सद के यूनिवर्सिटी जाओ यूनिवर्सिटीज तो बाद जिहड़ा करियर है वह कितने ना कितने बहुत वड्डे लैवल से फर्क पाउंदा तुहाडे पूरे परिवार की डायरेक्शन नूं कहिंदे टब्बर चो एक नसल भी सियाणी निकल जाए ना पगलियां 5-7 तां सामझ आउंदी है पर उही कहानी है रणबीर जी यूनिवर्सिटीज ते कॉलेजां दा विद्यक तौर ते कोई मुकाबला नहीं है यूनिवर्सिटीज़ नूं पंजाब च इक इहो जिहा नैगेटिव नाम देता गया मैं कई बार मंच ते कह लिया मेरे कोले और मैं रणबीर जी आपां उन्हां नूं शो ते भी लैके आवांगे उत्थे इक यूनिवर्सिटी है वैंकूवर आइलैंड यूनिवर्सिटी रणबीर जी मास्टर्स इन एजुकेशन दा प्रोग्राम चलाउंदी है 6.5 महीने ते बच्चा लैंदी है पंजाब च प्रमोट ही नहीं होया अज तक मेरा भी अगला सवाल यही मैं लिख रहा है कि बच्चे जो जाते हैं कॉलेजों के उत्थे खुश ने उन्ने कोर्सों के खुश ने बड़े सारे यूनीक प्रोग्राम और बड़े सारे यूनीक कोर्स ने जो सिर्फ यूनिवर्सिटियों को मैं शरेआम कहना बशर्म होकर कहना एजेंटा का कसूर है एक कंसल्टेंटा का कसूर है बच्चे को समझाया ही नहीं जाता अपनी सोच कितने तक होंगी है भाई कॉलेज का सैमीनार ला लो 100 न्याणा आ जूगा बच्चों 30 अपलाई करके चल दिहाड़ी पार मेरे वर्गा मशहूरी ला दूगा नो प्रोसैसिंग फीस एप्लीकेशन फीस का माफी न्याणा भी आ जूगा अगो अन्ने नूं कोड़े वाली गल है भी दूआ आ गया भी भाई मेरे तेरे किन्ने है अच्छा सर जी मेरे 65% है तेरे $100 भी बच गए मैं आपके आप 10,000 भी छड़ता अगला जिद कहना लै भी 25,000 रुपया 20,000 रुपया बच गया फाइल ला दो अपनी सोच उत्थे तक खत्म होगी यूनिवर्सिटियां ऑपरेटर मंगाउन नूं आ साडा लहू कढ़ा दिंदे रणबीर जी हुण जिहड़ा मैं बीएड वाला प्रोग्राम कह रहा इहदी लास्ट डेट भी आई खड़ी है 31 मार्च तो बाद इहदी सीटां नहीं हैगियां पंजाब च किन्नी लड़की है लड़ता है जिन्हें बीएड कीती चाहे वह साल दो साल तो पढ़ा रहे हैं चाहे फ्रैश हैगा या मास्टर्स इन एजुकेशन इत्थे कीती है अगे दोबारा करना चाहता है 60% तो उपर नंबर है 6.5 बैंड एलिजिबल है तजर्बेकार अज टीचर्स एक्सप्रेस एंट्री च भी नहीं बहुत अगे जा पाते टीचर्स नूं पीआर दा हर पासे इशू है जिहदे कोले साल दो साल तीन साल का एक्सपीरियंस है उन्होंने भी एक्सैप्ट करती है रणबीर जी ऐसे ही यूनिवर्सिटी
6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ 10 ਨਾਮ ਚੜੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਨਾਮ ਉਹੀ ਆਣੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਥੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦਾ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਹੈ ਵਿਰਨਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਡ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਡਾਲਰ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਨੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਖਿਰ ਸਪੇਸ ਚ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੜੀ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗ ਹਾਰਡ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਕੁ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰਮੀਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਆਈਸੀਐਸਈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂਈਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਬਲਯੂਈਐਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਡਬਲਯੂਈਐਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਦੂਜੀ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਡਿਨਾਇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਜੈਨੂਇਨ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਾਈਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਆਈਸੀਐਸਈ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਚੰਗੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਸੈਟ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਵਿਦਆਊਟ ਜੀਮੈਟ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਜੀਆਰਈ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਂਗੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਬਣਾ ਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਸੋ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 18 MP ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ MP ਨੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਘੱਟ ਮਿਲਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਉਣੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 10 ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਵੀ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ +2 90% 85% ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਓ ਅਪ ਟੂ $16,000 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ $10,000 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 85% ਨੂੰ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਣ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 32,000 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ 32,000 ਚੋਂ 3200 ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਟੌਪ 5 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਖਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਈਮਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ PHE ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਕਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੇ ਫਲਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਦ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੋਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਲਿਮਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੜ ਪਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਆਫਟਰ ਆਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ CV ਭੇਜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾ ਐਲੂਮਨਾ ਇਫੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ IITs ਜਾਂ IIMs 'ਚ ਐਲੂਮਨਾ ਇਫੈਕਟਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਵਿਪਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਵੱਜੂ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੂਗੀ ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਾਲਜਸ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 60% 6 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਰਸਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਡਿਕਲਾਈਨ ਜਾਂ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ 59% ਤੇ 60% 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ 49 ਤੇ 50 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 33 ਤੇ 34 'ਚ ਪਾਸ ਤੇ ਫੇਲ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੰਗੇ ਅਰਜੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਜੀ ਨੁਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲ ਜਾਊਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਈ ਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਥੋੜਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਹਾਲੇ
चाहे मेरा सेमिनार है, चाहे किसी होर का मेल है, असि सारे दिहाड़ी लाने मेल ला रहे हैं, चाहे मैं जे कोई होर है, काली ना करो, आपकी पढ़ाई वाल ध्यान करो, आइलेट्स वाल ध्यान करो, बहुत टाइम पे है। बारहवीं पास की है नॉन मेडिकल चीज कह उ कोई जेनेटिक्स का प्रोग्राम नहीं कर चले, या उसे कोई नासा वाला प्रोग्राम नहीं कर चले, बहुत टाइम है। आ सा मशहूरिया भी ने आओ किसी ने आपकी आपकी आइलेट्स से, जिस दिन पढ़ाई मुक् जाएगी उदो सितंबर बारे सोचो, तद तक अपनी पढ़ाई बारे सोचो जी। सिर्फ यूनिवर्सिटी वाले बच्चे प्लीज थोड़ा जहा टाइम कट के आपके माँ बाप न आपके कंसल्टेंट विजिट करके अपलाई कर। मैं पहला भी एक दिन शो ऑर्गेनाइज किया कि तुहाडे वल्लों बहुत सारिया चीज़ा प्रोवाइड कराइया जाए कि कंसलटेंट्स में उन्होंने तब्दीलियां नहीं हो सकती। सब तो पहला काम तो 10वीं 12वीं या बीए सर्टिफिकेट परसेंटेज बदलनी बहुत औखी है। बैंड रिक्वायरमेंट ठीक है पूरी हो सकती है, जो माँ प्यो की आमदन है उन्होंने तुम कोई चिटिंग नहीं कर सकते। सो जे एजुकेशन के डाकूमेंट प्रोवाइड कराने वो इको बारी लाइफ के पेपर होने ने, पेपर भावें बार बार दे लो इंप्रूव कर ले, पर इको बार जो झट ला के परसेंटेज बना ली उन्हों सारा लाइफ टाइम दे अचीवमेंट है। जी नवनीत जी गल कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त हैगी है, तुसी अपना ध्यान परसेंटेज वल दो, बाकी दियां चीज़ां दे विच चेंजेस बदला आउंदे रहने हैं। मन मर्जी का कंट्री चूज कर सकते हो, मन मर्जी का कोर्स लै सकते हो, मन मर्जी का कॉलेज ले लोगे, मन मर्जी का कंसलटेंट्स ले लोगे, इन्हां चीज़ां च तब्दीलियां हो जानी है। तब्दीली नहीं होनी तो सिर्फ सर्टिफिकेटां दे विच नहीं होनी, और इस लाइन के बच्चे खास तौर पर जिहड़े विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो इस वक्त 8वीं चाहे 9वीं चाहे 10वीं चाहे प्लस वन चाहे, अपने भैन भरा जां अपने बच्चों नूं इस चीज़ का ज्ञान देना शुरू कर दो कि जे विदेश जाना है तो परसेंटेज 70-80 परसेंट तक जिहड़े हैगे बच्चे चाहे आस्ट्रेलिया कैनेडा या न्यूजीलैंड जाने वाले ने उहदियां तैयारियां। रणवीर जी जिहड़े 10वीं च ने मेरा ख्याल उहदा पल्ले बालन भी जद नूं उहनां दी वारी आणी, 70 तों थल्ले कोटा नहीं रहिणा। अज कल्ला पंजाब दुनिया च बच्चे नहीं भेजदा, लैटिन अमेरिका का बंदा भी पढ़न जांदा, श्रीलंका का भी जांदा, नेपाल का भी जांदा, पाकिस्तान का भी जांदा, थाईलैंड का भी जांदा, वियतनाम का जांदा, चीन का तो कल्ला ही बहुत जांदा। सो पूरे दुनिया च बच्चे जा रहे हैं, आपां इहनां सोचिए भी जे पंजाब वाले ना गए तो कनेडा अमरीका बंद हो जाएंगे, इहो जे कोई गलतफहमी दे शिकार आपां ना बणीए। अगला टॉपिक हैगा जी न्यूजीलैंड। नवनीत जी सारा कुछ जायज होने के बावजूद भी बहुत सारिया AIP डिकलाइन हो रही ने, आईया हुई बहुत सारिया पहले ही डिकलाइन हो गई, रिफ्यूजल आ गई, बच्चों लिए एक सरदर्दी बनी हुई है कि मेरे डाकूमेंट पूरे ने, मैं सब कुछ सही प्रोवाइड कराया। पहली गल तो एजेंट्स कंसलटेंट्स का कसूर है, SOP ठीक ढंग नहीं जा रही, बड़े दुख की गल है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद फिर भी कई बार रिजैक्शन आ रही है, वो पिछले सब तो व्डा कारण खड़ा है न्यूजीलैंड एजुकेशन न्यूजीलैंड के थ्रू किसी का अप्रोच करके एक डॉक्यूमेंट्री मेकर आया न्यूजीलैंड एक रेडियो न्यूजीलैंड वाले उत्थे एक बड़ी वड्डी डॉक्यूमेंट्री बना रहे स्टूडेंट्स दे उप्पर। उन्होंने गलबात के दौरान उन्होंने एक दो गल्लां कहीयां कि सानू उत्थे फीडबैक लगता है कि बच्चा दुखी है, तंग है, फलाना है, टमकाना है, कि बच्चा लून लैके आ रहा, बच्चा फलाना है। सानू मिठ तोड़नी पई भी असि एक भुखा नंगा प्रदेश नहीं है। तुसी पंजाब नू कई लोगों ने पिक्चर ये पेंट करती, कोई मैनू बंदा पुछदा कहिंदा यार जे तुहाडे बच्चे की जॉब ना लगी बेचारे का घर बंद हो जाएगा, इत्थे मकानू हो जू, मैं उरे आके देख ला भी कहते, मैं कहना भी साडे कोले बाले नहीं है, पर असि एक मेरा ख्याल पंजाब एक इज्जतदार सूबा है। सो फंड्स की कहानी कितों शुरू हुई रणवीर जी, जदों इन्होंने एक बार विदाउट आइलेट्स खोलिया, FTS खोलिया, बहुत सारे मैं नाम नहीं लूंगा भी बहुत सारे इहोजे बरसाती डड्डू निकल के आए जिन्होंने अखबारों च ऐडा लाइया टिकट फ्री, कोई कहना लैपटॉप फ्री, ले लो हूँ फ्री, उन्होंने फ्री के सदके ही है, उन्होंने फ्रीआ के सदके ही है हाई कमिश्नर को खबर पहुंच दी है। हालांकि डायरैक्टली लैन ना डायरैक्टली लैन आपू पता हो भी एक महल च दंगे होंगे आप वड़ते नहीं उत्थे, सो तो फिर चंगे है कि अज भी पंजाब में एप्लीकेशन एक्सैप्ट कर रहे हैं। यस फाइनैशियल वेरीफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस वेरीफिकेशन, और उस तो बाद रणवीर जी आयल्स वेरीफिकेशन नवे स्टाइल थोड़ा मैं भी कहानी सुना, उस तो बाद जेडे फाइनैशियल ने अपने एजेंट को बैंक मैनेजर का कार्ड लावे, ईमेल दे दे, जे नहीं हैगा सेंट्रल बैंक का नंबर दे दे जिहड़ा उहदा हैड ऑफिस है, चार नंबर लिख के भेज दो कोई तो चक लू, कार्ड ला के भेज दो, जिहड़े मैनेजर ने लोन ही देता, जिहड़े मैनेजर ने FD की कॉपी करके देती भी तेरी FD हैगी सर्टिफिकेट ले लो, नंबर नहीं दूंगा। सो यस अंबैसियां पांच वारी फोन नहीं करेंगे, अगले कहते भी उन थोड़े ते थोड़े जवाब नहीं आता, असं की कर लिए, सो घट्टो घट्ट चार नंबर ही पा दो। ये एक होर भी कमजोरी देखी जा रही है केसां दे विच, तुसीं फंड कराने हो जां लोन लैने हो जो भी करते हो बैंक दे नाल अपनी सेटिंग, तो घट्टो घट्ट उन्होंने इनफॉर्म तो कर दो कि तुहानूं अंबैसी वालों इंक्वायरी आएगी, तुसीं आ कहना आ तैयारी करनी है। इत्थे कंसल्टेंट की भी गलती हो सकती, मैनेजर नूं पता है, जिहड़ा मैनेजर ने लोन दिता उह को पहला लोन तां नहीं दिता उहने, राइट। सो कई बार छोटी ब्रांचां चों लोन हुंदा, मैं मानदा मैं लैंड लाइन चुकिया, मैनेजर छुट्टी ते किसी होर ने फोन नहीं चुकिया, कितें इहो जिहा धक्का हो सकदा भी वेरीफाई नहीं हो पाया, चलो वह भी रीलॉज हो जाता जी, उहनूं भी दुबारा लैंदे आ। सो मैं तुहानूं दूजे पासे लैंग्वेज वाली गल कर रहा सी, मैं एक गुड्डी का वीजा लवाया,
गुड्डी ग्रेजुएट है, उन्हें बी एस सी होम साइंस की हुई है, बच्ची की इंग्लिश ते उहदे आइलेट्स मार्क्स कोई मुकाबला ही नहीं है, बच्ची के बैंड 5.5 है, अंग्रेजी फराटेदार, किसी कारण बच्ची के बैंड नहीं आ पाए। मैं इन्हें कहा भी तेरा केस मैं चकदा, असी फाइल लानी है। रणबीर जी यकीन वाली गल है, नेम लैके बोलदा, कोई कहानी नहीं, दफ्तर आ जाओ वीडियो भी दिखा दो। कुड़ी नूं फोन आया, 4 मिनट इंटरव्यू लिती कुड़ी दी, जदों कुड़ी ने मारी फराटेदार इंग्लिश, उन्हां नूं हो गया भी काम इह कोई जल ही होगा। पंजाब च इहो जिहे दरिद्र काम भी होए है, इहो जिहे कर्मकांड भी लोकां ने उरे करे है। उन्हें कहा जी कुड़ी नूं बॉम्बे भेजो। रणबीर जी कुड़ी बॉम्बे गई, इंटरव्यू दित्ती, उन्हें 2 सवाल पूछे सेम, कहिंदी ओके असी तेरे बारे कुछ डिसीजन लै रहे हैं, कुछ वेरीफिकेशन कर रहे हैं, वी विल गैट बैक टू यू। जद तक वो कुड़ी उत्थों एम्बेसी तो रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची, मैनू मेल आ गई कांग्रेचुलेशन द वीजा हैज बीन ग्रांटेड। उन्होंने कोई साडे नाल ये नहीं है कि बॉम्बे बुला के रड़ख कढ़नी, टाइम टपा लिया। एक कंसल्टेंट कोले मैनू बच्चे ने दस्या, कहिंदा जी मेरी पर्सनल इंटरव्यू आई सी, मैं गया नहीं बॉम्बे। मैं कहा जी तुसीं क्यों नहीं गए? मैं कहता एजेंट कहना भी गया कई बार पंगा पंगा पा देंदे ने, वो पंजाब दे उल्टा दसो एम्बेसी ने थानू कादे पंगे पाने हैं। सो फाइनैशियल वेरीफिकेशन, अकैडमिक वेरीफिकेशन, ओनस लाइज ऑन अस, वो जी टैक्नीकल वर्ड है या कुल मिला के पंजाबी जिम्मेवारी साड़ी है। जे एक तरीके नहीं पता लगता, 4 तरीके भरावा पता कर दी है, जिंदगी साड़ी है। सो न्यूजीलैंड को भी रश बहुत वधिया होया, आस्ट्रेलिया वालों लित्र पैन तो बाद, जो आस्ट्रेलिया ने परसेंटेज का रौला पाया, उस तो बाद न्यूजीलैंड को रश वधिया होया। उन्होंने सारा पता है भी एकदम न्यूजीलैंड क्यों जाग पे 55% वाला, 55.5 वाला न्यूजीलैंड क्यों कह रहे हैं, 52 वाला क्यों कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं कह रहा, सारी कहानी उन्होंने पता है। सो फाइनैशियल वेरीफिकेशन करने पांच बारी फोन नहीं करन लगे साडे लिए, भी एक बार चक्या दोबारा कर लो, तीजी बारी कर लो। आप इस तरीके पेश करिए जी दूजी रणबीर जी ने गल कही थी प्रोग्राम के शुरू जो न्यूजीलैंड की गल करी, SOP स्टेटमेंट ऑफ परपज, उन्हू कुछ होर ना समझो, उन्हें मजाक ना समझो, वो थोड़ी फाइल का मुढ़ है जी रणबीर जी ने गल कही, थोड़ी फाइल का मुढ़ है, मुढ़ों ही पता लगना भी काम कितने कहानी तो पहुंचना, कहानी तो उ हैगी है। नहीं जी बच्चों के सवाल आस्ट्रेलिया के आने तो पहले बच्चे बड़ा लकोरे ने, इतने कसूर बच्चों का मनना चाहूँगा। मैंने परसनली एक बच्चे का फोन आया जी, मैनू मेरी रिजैक्शन आ गई सी अपना आस्ट्रेलिया के, हूँ मैं अपलाई करना, उत्थे कड़ा पता लगता जी मेरे कड़ा मोहर लगी हुई है न्यूजीलैंड। बच्चे ये काम ना करन प्लीज़। USA तो बहुत सारा बच्चा जाता है, उत्थे अपलाई करता है, कहिंदा जी डाटा शेयर नहीं हुंदा, मैं तो न्यूजीलैंड दसन की जो लोड़ नहीं है। 420 मतलब बैन तुहाडे ते लग सकदे ने, बैन लगना मतलब तुसीं किसी भी देश दे विच जाणदे हो। रणबीर छुपाना क्यों? मैं एक गल कहना हुंना, मेरी बड़ी हासे वाली, एक बार बार मैं कई बार मंच ते गल कही है भी एक करो रिश्ते नूं ना हो जाए छड़ा तो नहीं मरदा। हुण कैनेडा दी रिक्वायरमेंट ही 6.5 है, न्यूजीलैंड दी 6 है, दसो क्यों? पहला तां हाई कमिश्नर नूं आपस च मिला दो भी तुसीं क्यों रखी। एक मुल्क नूं तुहाडा अकैडमिक प्रोफाइल नहीं पसंद आया, तुहाडा की गुणा है, रिफ्यूजल लैटर नाल भेजो। हुण आस्ट्रेलिया ने रिफ्यूजल लैटर च लिखता कि सिमिलर कोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया, फलाना भेज दो नाल भी इह करिया सी, आह पढ़न चले मोर हुणे भर लैणे, जे तां मन्ने नहीं राइट। सो तुहाडा कैनेडा रिफ्यूज होया, ला दो नाल भी लिमिटेड लैंग्वेज एबिलिटी, 6 बैंड ते भी कहिंदे आ जी, मैनूं दसो। USA की खासकर गल कर लो, USA कैनेडा वाले डेटे जरूर शेयर कर लिया करो। मैं बच्चों के कैनेडा च बैन लगते देखे है, बिल्कुल USA रिफ्यूजल सी तू दसी नहीं, बाद च जिन्ना मर्जी पिट लो, मैंने कल रिफ्यूजल नहीं, कोई भी चीज तुसी गलत दसोगे, कुछ भी चीज दसोगे। नाले रणबीर जी अपने दे कड़ा इंटरपोल अलर्ट है, आपां कड़ो रे गलत काम करे हुए है, एक स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट होया, एक स्कूल चो फेल होकर भी दूजा स्कूल बच्चा पढ़ के पास हो जाता, ये तो है तुहाडा करियर खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूजल नूं दुनिया का अंत ना मनो, ਇਹ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ, ਕਾਲੇ ਡਰੇ ਫਿਰ। ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਖਤਾਈ ਦਾ ਆਲਮ ਰਹਿਣਾ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਚਾਂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ SSB ਐਪ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੰਬੈਸੀ ਚ ਫੰਡ ਜਾਣੇ ਆ, ਜੈਨੂਇਨ ਨਿਆਣਾ ਜਾਊਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਰੁਦਰਪੁਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਵਰਡ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵਾਂ ਵਰਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਠੇਕਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ, ਠੇਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਯੂਪੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇਹ ਗੋਲ ਠੇਕਾ ਕਿਤਨੇ ਮੈਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੋਲ ਠੇਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉੱਕ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਦਕੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲ ਠੇਕੇ ਠੇਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਮ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਹਲੇ ਪੈਕੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।